इकाई गौर प्रेमानंदे हरि। आपने बस जा और पांच मिनट बैठ जाओ। हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। इकाई गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरि बोल, हरि बोल हरे कृष्ण हरि बोल। हाँ अभी एखानकर तो महिमा सुन लिए, एखानकर यहाँ पर कुछ विषय को लेकर के हमारे भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज और श्रील भक्ति वेदांत श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज के अंदर में कुछ शास्त्र को लेकर के रस विषय लेकर के इनके अंदर में विवेचना हुआ करता था। हरे कृष्ण हरि बोल हरि बोल हरे कृष्ण। कुछ कुछ रस को लेकर के यहाँ पर कुछ विवेचना हुआ करता था। देखो ये जो विवेचना है ना, ये लड़ाई नहीं है, ये रस कुश्ती है। क्योंकि केवल इतना ही था, थोड़ी सी हरि कथा हो जाए, ऊपर में दिखता है जैसे एक दूसरे का पक्ष लिए है, क्योंकि दोनों ही वैष्णव है। इसलिए शास्त्र में बताया, एक वैष्णव को लेकर के अगर दूसरे वैष्णव की निंदा करोगे वो अपराध है, उसको अपराध बताया। एक निंदे और एक बंदे वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, जाइवे के नाश, मतलब जो एक का पक्ष ले और दूसरे का पक्ष लेकर निंदा करे, क्यों, दोनों ही वैष्णव है तो ये अपराध है। इसलिए हम सबसे पहले श्री समुद्र सन राजा जी के चरण में प्रणाम करते हैं और अपराध तो नहीं है, अपराध को नहीं ले, केवल हरि कथा थोड़ी अच्छी हो जाए, इसीलिए ही हम आपस में बात करते हैं। इसलिए आप लोग तब पक्के मत लेना, केवल सुनते रहना। देखो जब से आप लोगों ने श्रवण किया, जब से युधिष्ठिर महाराज उराश्व यज्ञ कर रहे थे, बोले क्यों, कारण किया है, क्योंकि जो पांडव लोग हैं वो साधारण भक्त नहीं है, जिसके लिए नारद कहते हैं गुणम परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम। जिस कृष्ण को दर्शन करने के लिए युधिष्ठिर महाराज का सवेरे देखो ऋषि लोग लाइन लगे रहते हैं लाइन, लेकिन वो कृष्ण क्या कर रहे थे, उनके घर में पासा खेल रहे हैं, हंसी दिलेकी कर रहे हैं, उनके भोजन कर रहे हैं, उनको साथ में तरह तरह थकथकली करते हैं, लेकिन सवेरे देखो वो सबके सब घर को सामने लाइन लग रहे खड़े हुए। इसलिए उनका हर क्रिया ही कृष्ण को कैसे हम सर्वोपरि स्थापन करेंगे। आप लोग जानते हैं राजसूय यज्ञ में जो अग्र पूजा किसकी की गई है, तो कृष्ण को की है। क्यों, कृष्ण को कैसे सर्वश्रेष्ठ रूप में स्थापन की जाए, इसलिए श्री युधिष्ठिर महाराज उन्होंने राजसूय यज्ञ करने के लिए भीमसेन को इस तरफ में बुला लाए। जब लाए अभी यहाँ पर श्री समुद्र सन राजा यहीं पर भजन कर रहे थे, अभी इनके मन में इच्छा है कृष्ण दर्शन कैसे मिले, अभी ये सोच रहे हैं, अब तो भीम आ रहा है, भगवान का एक नाम भक्तवत्सल है, कृष्ण स्वयं कहते हैं कौन से है प्रतिजानी न मैं भक्ता प्रविष्टि, मेरे भक्तों का विनाश कभी नहीं, अगर मैं किसी तरह से भीमसेन को परास्त कर दूं फिर भगवान क्या होंगे, उनको रक्षा करने के लिए स्वयं कृष्ण को आना पड़ेगा, जब कृष्ण आएंगे तब हम दर्शन कर लेंगे। देखो यहाँ पर तो प्रथम जो वैष्णव तो समाप्त हो गए, क्योंकि शास्त्र ने बताया कृष्ण दर्शन ऐसे नहीं होता है, कृष्ण दर्शन कैसे होता है, बोले तद्विधि परिपात न परि प्रश्न न सेवया उपदर्शन ज्ञानम ज्ञान तथा दर्शन, सर्वप्रथम में प्रणाम करो, उनका नमस्कार करो, उनकी सेवा करो, फिर जाकर के प्रश्न करो, ये नियम है। कोई वैष्णव आए उनको डरा दिया और जब डरा दिया भगवान भी प्रकट हो गए और उनको दर्शन कर लिया, ये दर्शन नहीं। इसलिए हमारे श्री जीव गोस्वामी टीकाकार लोग कहते हैं जब तक हृदय में प्रेम नहीं हो तब तक कृष्ण दर्शन को कृष्ण दर्शन नहीं कहते हैं, क्योंकि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वो कह रहे हैं जिस समय कर्दम ऋषि संन्यास श्री कर्दम ऋषि संन्यास लेकर के जा रहे हैं भजन करने के लिए, वहाँ प्रश्न श्री
विश्वनाथ चक्र ठाकुर उठाते हैं, बोले भैया कृष्ण दर्शन के लिए तू जा रहे, कृष्ण तो घर में तो भगवान है, भगवान स्वयं घर में श्री कपिल मुनि रूप में है, फिर कर्दम ऋषि भजन करने के लिए क्यों जा रहे हैं। तब विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं जब तक की कोई साधन नहीं करे, भगवान रहने पर भी क्या राम ने, रावण ने राम को दर्शन नहीं किया, दर्शन किया था कि नहीं, क्या मेघनाथ ने राम को दर्शन नहीं किया, क्या कंस ने क्या कृष्ण दर्शन नहीं किया, लेकिन वो कृष्ण दर्शन नहीं, क्यों? जब तक हृदय में प्रेम नहीं आता है उसको पहले भगवत दर्शन दर्शन नहीं। इसलिए बोले प्रेमांजन छुई तो भक्ति विलोचने ना संत सदैव हृदय सु विलोकयती जब श्याम सुंदर मचिंत गुण स्वरूपम गोविंदंग माधि पुरुषम समहम भजामि, वो चिन्मय नेत्रों द्वारा दर्शन देते हैं, जड़ आदेश नहीं। लेकिन इनकी भावना क्या, इनको डरा देंगे कृष्ण आ जाएंगे दर्शन हो जाएगा, अभी आए। लेकिन आप देखो, आप बोलोगे भीमसेन तो परास्त हो गया, आप समझो एक पिता माता की दो बेटे हैं, अभी दोनों बेटे में जब लड़ाई होता है बता माँ पिता बड़ा बेटा का पक्ष लेता है ना छोटा बेटा का, हाँ यही चीज को समझो। यहाँ पर जब श्री समुद्र सेन राजा वो भी कृष्ण दर्शन करना चाहते हैं, भीम तो ये रागात्मिका भक्ति, ये तो अभी साधक है, वो तो रागात्मक भक्ति है, कृष्ण का नित्य परिकर है। अभी दो बच्चे हैं, अभी भगवान ने देखा इनके मन में इच्छा है कृष्ण दर्शन करने के लिए, इसलिए ठीक है ये मेरे छोटा बेटा अभी साधक है, इसलिए भगवान ने क्या किया इनको भीमसेन को जब परास्त उन्होंने करवाया, अभी उन्होंने भगवान को पुकारे, भगवान को पुकारे तो भगवान स्वयं कहते हैं मेरे भक्त का विनाश नहीं। इतने में क्या हुआ, भगवान कृष्ण स्वयं यहाँ प्रकट हुए, श्री भक्तवत्सल भगवान की, यहाँ पर कृष्ण स्वयं प्रकट हुए। इतने में समुद्र सेन राजा ने उन्होंने कृष्ण दर्शन कर लिया, जब कृष्ण दर्शन कर लिया उन्होंने अपना हार को मान लिया, बोले क्यों, वो जिस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं वो उद्देश्य हो गया है। इसलिए यहाँ ये नहीं किसी को परास्त कर कृष्ण दर्शन करे, ये एक बात हो गई। दूसरी बात है अभी कहते हैं यही पर उन्होंने श्री समुद्र सेन राजा ने कुमुद वन में उन्होंने कृष्ण दर्शन किए, कुमुद वन में दर्शन किए, कब दर्शन किए, जब भीम सेन की कृपा हुई, जब भीम सेन को रक्षा करने के लिए भगवान आए, उसको बाद में इनको फिर इनको कुमुद वन में फिर भगवान को कृष्ण दर्शन हुई है, ये ब्रज में कृष्ण दर्शन हुई। इसलिए यहाँ रस के विचार आता है, यहाँ पर भीम सेन को मानी जाती है जैसे ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त, प्रेमा पर भक्त उनको मानी जाती है, हाँ प्रेमा प्रेमा पर भक्त इनको मानी जाती है। लेकिन जो ब्रज में रहते हैं, जो ब्रज में अगर उनको जो दर्शन किया कृष्ण जो दर्शन किया कुमुद वन में, हम कभी ये श्रृंगार रस के भक्त हैं और ये ब्रज रह रहे हैं नवद्वीप रात में, इसलिए श्री महाप्रभु का ये भक्त है, ये एक दृष्टिकोण आते रस रस दृष्टि से। लेकिन दूसरे तरफ से देखो श्री भीमसेन भी साधारण नहीं, क्योंकि जिस समय यहाँ पर कभी त्रिविक्रम महाराज और महाराज जाकर यहाँ पर होती थी, एक बार जब से त्रिविक्रम महाराज अप्रकट हो गए, एक बार यहाँ पर आए तो एक बार गुरुदेव मेरे को खड़े किया भीमसेन के पक्ष में, और मैंने इस उदाहरण को छू दिया जिसको सुन करके महाराज जी इतने प्रसन्न, इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए स्वप्न आया तो हम पंच पांडव यहाँ पांच वृक्ष रूप में लाइन से हम खड़े हुए हैं, अगर तुम उसको चार गुणा करके बनाने जाओगे तो फिर हम काटे जाएंगे, इसलिए अभी हमको काटना नहीं, पर उन्होंने वृक्षों को नहीं काटे। इसलिए इतने भीम से उन्होंने ब्रज भक्ति लोभ से उन्होंने वहां पर वृक्ष रूप में जन्म ग्रहण किया है, अभी वो वृक्ष अंतर ध्यान हो गए। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं जब किंचित गुल्म लतो, वो कहते हैं ब्रज में जितने गुल्म लता पेड़ पौधा वो साधारण नहीं, वो वृक्ष साधारण नहीं, कहते ना वृंदावन के वृक्ष को मर्म ना जाने कोई, और डाल डाल और पत्ते पत्ते में श्री राधे, इसलिए वहाँ साधारण वृक्ष नहीं है, वो सब के सब वो चिन्मय है। इसलिए कभी वृंदावन भी आए तो बोले तुम कहाँ से आ रहे हो, हमारे माइक रखो भाई, हरी बोल।
हरी बोल हरे कृष्णा। बोले तुम कहाँ से आ रहे हो? बोले राधा कुंड से। बोले तुमने क्या देखा? बोले कृष्ण को नृत्य करते हुए। बोले कहा गुरु? कहते वहां गुरु कौन है? कहते वहां के जितने लता पताए हैं वो सब के सब श्री राधा जी की ही स्वरूप मान करके, श्री श्याम सुंदर राधा जी के स्वरूप मान करके वहां से नृत्य गुप्ता शिक्षा कर रहे थे। इसलिए वहां के भिक्ष साधारण नहीं। कोई बोलेगा नहीं ये तो ब्रज का परिकर होगा, क्या प्रमाण है? कहते भीमसेन को श्रृंगार रस में प्रमाण क्या है? इसे इसका पंचमा उदाहरण देते हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु श्री जगत में आए, फिर उन्होंने क्या हुआ? फिर इन्हों को कृपा हुई। किसकी कृपा हुई? कहते इनकी कृपा हुई, राधा जी की कृपा हुई। फिर ये कौर परिकर बन करके फिर आते हैं। फिर आकर के श्री महाप्रभु स्वयं कहते हैं, हैं भवानंद सेन को, तुम पांडु, बोले तुम पांडव हो, तुम्हारी जो पांच बेटा है ना, कहते ये पंच पांडव है, ये पांच ये पंच पांडव है। बोले राय भवानंद संग नाचे, पंच पुत्र संग नाचे राय भवानंद। इसलिए ये स्वयं फिर गौरव परिकर बन करके फिर आए, फिर गौरव परिकर बन करके फिर संपूर्ण महाप्रभु के लीला रस में संपूर्ण उन्होंने मदद किया है। इसलिए जिसको श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, गौरव प्रेम रसार नवे सित रंगे जबा डूबे श्री राधा माधव अंतरंग। जब कोई महाप्रभु जदा जदा गौरव पदार बिंदे, इसलिए जब महाप्रभु के लीला रस में कोई प्रवेश करते हैं उनको स्वतः उनकी कृष्ण लीला में प्रवेश हो ही गया। देखो एक व्यक्ति स्वप्न में दर्शन करता है, एक व्यक्ति स्वप्न में दर्शन किया और एक व्यक्ति डायरेक्ट रूप में महाप्रभु की लीला में परिकर बनकर के लीला कर रहे हैं उनको लीला में, बताओ दोनों में कौन श्रेष्ठ होगा? हम दोनों बताओ कौन होगा? दोनों बताओ कौन बोल सकता है? हाँ, जब यह डायरेक्ट फिर किसी चीज की है। इसलिए श्री जीव गोस्वामी कहते हैं मुक्तापी, कहते मुक्त अवस्था में जो साथ यह सिद्ध लोग तरह तरह का लीला में, जैसे श्री राय रामानंद एक साथ में अर्जुना सखी है, एक साथ में ये श्री अर्जुन है, फिर ये विशाखा सखी है, एक साथ में जैसे बहु रूप में सेवा कर रहे हैं, उसी तरह भीमसेन भी बहु स्वरूप में उन्होंने श्री कृष्ण का भी महाप्रभु का भी सबका सेवा कर रहे हैं। आप बताओ दोनों बड़े कौन हो गए? बताओ आप बताओ अब जोर से बोलो। इसलिए ये लोग ना हर साल हार जाते हैं, लेकिन हार भरने भर ना ये हार मानना नहीं चाहते हैं, हार करके भी जोर जोर से बोलो। हरी हरी बोल। अभी ये लोग जोर जबरदस्ती करेंगे जितने के लिए, लेकिन ये हार हुए हैं, ठीक है ना? देखो ये सब अभी तो सब खिलमिला रहे हैं सब के सब।